Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye, Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247, government job in your pocket. हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर्स शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड आई एम कुश पांडे. आपका स्वागत है हमारे खास शो में जहां पर हम फोकस करते हैं हर रोज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एटलीस्ट ऑन ऑल द करंट अफेयर्स दैट मैटर फ्रॉम द पेपर दैट इज द हिंदू. आप सबका फिर से हमारा स्वागत है दोस्तों. एंड बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं विद ऑल द करंट अफेयर्स. रिमेंबर गाइज, इन द जनरल अवेयरनेस सेक्शन वी हैव 3 सेक्शंस, द बैंकिंग अवेयरनेस, द स्टैटिक अवेयरनेस एंड ऑल्सो द करंट अफेयर्स. अगर आपने इनमें से किसी एक में भी तैयारी नहीं की है, इट विल लीड टू big trouble. So I request everyone to focus on all these three areas. With this intention, let's start guys and let's have a look on to the headlines that matter. उन सारी सुर्खियों को देखते हैं जो कि आज के पेपर में हैं. आज हम फोकस करेंगे primarily on our the Hindu, because कई सारी headlines हमारे the Hindu से हैं. जहाँ पर page 1 पे we have 2 headlines, page 5 we have 2 headlines, page number 6, then 7 we have 3 headlines, page number 10 we have 2 headlines, 12, 13 we have 4 headlines, 14, 15 we have 3 headlines, 16 we have 3 headlines and 17 and 18. तो ये आपके सामने headlines है दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पर फिलहाल देख भी पा रहे हैं. सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फस, विदाउट एनी डिले. लेट्स हैव द फर्स्ट हेडलाइन, द फर्स्ट इमेज ऑफ आर डे. एंड ये रही आपके सामने द इमेज ऑफ आर फर्स्ट हेडलाइन. वेल, द इमेज यू कैन सी आर द गुप्ता ब्रदर्स. दे आर द डिसग्रेस्ड ओनर्स ऑफ द सहारा ग्रुप फ्रॉम साउथ अफ्रीका. भारतीय मूल के ये जो भाइयों हैं, ये भाई जो हैं वो दे आर ऑन अ रन बिकॉज कहीं ना कहीं इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने अलॉन्ग विद द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका जेकब जुमा, दे हैव मेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलीगल मनी. तो ये हमारी आज की पहली खबर है दोस्तों. और ये रहा आपके सामने बैंक ऑफ बरोडास रोल इन साउथ अफ्रीकाज गुप्ता स्कैंडल. So after a scandal of PNB, after a scandal of the Rotomax scandal, and now we have a scandal that involves again Bank of Baroda with the Sahara Group, जो कि आपके सामने यहाँ पर दी हुई हैं. यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लिखा भी हुआ है Bank of Baroda's Johannesburg branch suppressed alerts of suspicious activity in the politically influential Gupta family's complex web of bank accounts. तो एक तरह से यहाँ पर accusation है कि जो बैंक ऑफ बरोडा की जो जोहानिसबर्ग ब्रांच है, दैट प्लेड अ क्रूशल रोल, दैट प्लेड एन इलीगल रोल इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंसेस ऑफ द सहारा कंपनी इन साउथ अफ्रीका. एक सहारा हमारे देश के अंदर है और एक सहारा साउथ अफ्रीका में है. दोनों अब बेसहारा हो गई हैं, ऐसा मुझको यहाँ पर लग रहे हैं. एंड दैट इज़ अ हेडलाइन गाइज कमिंग फ्रॉम द बैंक ऑफ बरोडा बैंक ऑफ बरोडा ब्रांच ऑफ जोहानिसबर्ग. यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, Senior Bank of Baroda officials suppressed numerous alerts filed by junior officials to the Johannesburg branch about the transactions in accounts controlled by the Gupta brothers of the Sahara Group, whose financial dealings resulted in the resignation of South African President Jacob Zuma. तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में जो transactions हैं उनको छुपाया गया है. Now let's come to the main point. The main point is that if there is any suspicious activity, अगर कोई suspicious activity hai, then we have a report. That report name is SAR. Let's come back to the screen guys. We are coming to the point because this is very important. If there is any suspicious activity, agar kisi bhi transaction mein, kisi bhi len den mein, agar koi suspicion hai, if there is any suspicion, to wahan par ek report pesh hoti, iska naam hota hai suspicious activity reports. Now yahan par aap phir dikha de screen par ki suspicious activity reports were voided by board managers and thereby never reached to the South African financial
इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस यूनिट, तो जो एक इंटेलिजेंस यूनिट है आपका साउथ अफ्रीका का, वहाँ तक ये जो आपका SAR रिपोर्ट है वो नहीं पहुँची। सो ये एक खबर आ रही है गाइज, जो कि हम यहाँ पर आपके सामने दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर जो एक वर्ड आपको याद करना है, दैट इज़ SAR, दैट स्टैंड फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, जो कि नहीं पहुँची थी टू द साउथ अफ्रीकन इंटेलिजेंस यूनिट। एक बार हम आपको दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा अब आपके सामने। एज पर अ रिपोर्ट, एंड दिस रिपोर्ट को जरा मार्क कर देना प्लीज, इसको मार्क कर देना, उस रिपोर्ट का नाम है द हिंदू प्लस द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। आई अगेन रिपीट गाइस, इस रिपोर्ट का नाम है द हिंदू प्लस द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ये जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि द SAR वर नॉट प्रेजेंटेड टू द इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो ये SARs थी विच वर कंसर्निंग द डीलिंग्स ऑफ द सहारा ग्रुप, ऑफ द सहारा ग्रुप इन साउथ अफ्रीका, वो आपकी नहीं पहुंची बिकॉज जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उन्होंने पहुंचने नहीं दिया। यहाँ पर एक बात हम समझिएगा ध्यान से कि बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ रिसेंटली शट डाउन इट्स एंटायर बिजनेस इन साउथ अफ्रीका। तो ये भी एक सस्पिशन की बात है कि इतने बड़े लेवल पर करप्शन हुआ कि नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा डज नॉट इवन हैव अ सिंगल ब्रांच इन साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ा ध्यान से देखिएगा कि दो चीज़ें हैं। पहला कि जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में द मेन एजेंसी इज द OCCRP। नाउ OCCRP स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, दैट इज द फुल फॉर्म, नंबर वन। नंबर टू, ये स्थापित हुई है, इट हैज़ बीन फाउंडेड इन द ईयर 2006। अब बेसिकली OCCRP है क्या? OCCRP जो है बेसिकली इट इज़ अ कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेंटर्स, मीडिया एंड जर्नलिस्ट। बेसिकली एक ग्रुप है, एक अरेंजमेंट है ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेंटर्स, जर्नलिस्ट, मीडिया, जो कि मिलकर ऐसी खबरों को लाता है। द फाउंडर ऑफ द OCCRP इज ड्रू सलिवन एंड पॉल राडू, दीज आर द फाउंडर्स ऑफ OCCRP। अगर हम बात करें तो एज पर द NGO एडवाइजर विच इज अ रैंकिंग बॉडी, इट हैज रैंक्ड द OCCRP ऑन 69th अमंग द 500 बेस्ट NGOs अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो वहां पर उस एस्टैब्लिशमेंट है 1908 में, हेडक्वार्टर्स आर इन वडोदरा गुजरात, कॉर्पोरेट ऑफिस इज इन मुंबई, द करंट MD एंड CEO जिनकी बहुत ही हालत अच्छी नहीं है, दैट इज मिस्टर PS जयकुमार। गाइस अंडरस्टैंड, यहां पर सवाल बन सकता है, नंबर वन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCCRP, नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज स्टॉप्ड एनी ट्रांजैक्शंस, एनी बिजनेस इन साउथ अफ्रीका, द आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड नंबर थ्री, द स्टैटिक फैक्ट्स अबाउट बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तीन चार सवाल यहां पर बन सकते हैं। आई होप आपको अब क्लियर कट हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए येस सर वी अंडरस्टूड, और अगर शो पसंद आ रहा है अब शो को लाइक करना मत भूलें। लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस, एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन आर नेक्स्ट इमेज, एंड ये रही आपके सामने the very next image. I hope everyone has understood the headline at least 50%. Now let's focus on another headline guys, and the headline hai regarding the government of India. Wapas screen pe aate hain. Well guys, the government of India has a vision. They want to monitor the current climate. They want to have an idea about what is the current mood in the nation. देश के अंदर जो एक वास्तविक मूड है, जो एक वास्तविक उनका एक हालात है, उसकी जानकारी के लिए the government has hired around 716 social media executives. They will monitor each and every district and they will tell the government what is the mood on social media or what is the mood of the different districts across the country. तो यहाँ पर जो हमारी next खबर है दोस्तों, उसको screen पर दिखा दें, ये रहा आपके सामने। Center to be all ears at the local level, the Information and Broadcasting Ministry approves hiring of 716 social media executives, one for every district. तो यहाँ पर सेंटर ने कहा है कि वो करीब 716, रिमेंबर द की वर्ड गाइज, द की नंबर गाइज, दैट इज 716, वो करीब 716 सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स को हायर किया है, जिससे कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट को मॉनिटर यहाँ पर कर पाएँ। लेट्स शो यू द फर्स्ट पैराग्राफ गाइज, लेट्स कम बैक गाइज, ओके, वन टिप फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, वापस स्क्रीन पे आते हैं, वन टिप फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, तब तक हम इसको जूम कर दें, बस भाई समझना ध्यान से,
If you want to master the Hindu, then you have to do one thing. First, you have to go through the highlight. And number two, you have to read the first para. Jo pehla paragraph hai, usko bilkul padhiye, kyunki that is a brief. And I hope everyone will agree with me ki aisa aapko karna padega. So let's show you the first paragraph. For a sharp delivery of the government's message to the voters, the Ministry of Information and Broadcasting on Monday approved the hiring of 716 social media executives, one for each district of the country. तो एक वास्तविक हालात जानने के लिए देश का वो करीब 716 executives को हायर किया है, जो कि हर जिले के बारे में, उनके मूड के बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे. तो दोस्तों ये चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं. Now this new media wing will be under a particular, this new media wing will be set up by this body, जिसका नाम है Broadcast Engineering Consultants India Limited. I'll again repeat, दोस्तों, कि in this particular headline, जो आपकी जो ये media wing बनेगा, which will consist of 716 social media person, ये जो group बनेगा, it will be made by the BECIL, that stands for Broadcast Engineering Consultants India Limited. इसके अंतर्गत ये आपका जो एक मीडिया विंग है वो बनेगा. यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि recently the ministry also did real-time monitoring of the public opinion or conversation around the word budget. तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले IMB ministry ने सर्च किया था कि what is the public conversation regarding the word budget, क्योंकि जब बजट पेश हुआ था. और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि Mr. Jaitley had announced in his budget that there will be a standard reduction of 40,000 on health and transport expenditure, but there is no changes in the personal income tax. So, जो ये वर्ड था आपके सामने, that is no changes in the income tax, in the personal income taxes, इसको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूज नहीं किया, because the mood of the nation was against such a statement. तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि जो एक देश का मूड है उस हिसाब से बात की जाए, to appease the people. उसके लिए they have hired 716 people for every district, for each district, one people for every district. So let's come back to the screen guys, and अब आपको दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा अब आपके सामने. द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर अ शार्पर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट मैसेज, गवर्नमेंट मैसेज को सब तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 716 एग्जीक्यूटिव्स को हायर किया है. हर जिले के लिए एक एग्जीक्यूटिव होगा. दे विल एनालाइज द लोकल न्यूज मीडिया एंड हेल्प गवर्नमेंट रिस्पॉन्स इन अ बेटर मैनर. इस न्यू मीडिया विंग को सेटअप किया है बाय BECIL. रिसेंटली गवर्नमेंट ने मॉनिटर किया था पब्लिक कन्वर्सेशन ऑन द वर्ड बजट एंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड द वर्ड्स यूज्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस वर चेंज्ड बिकॉज अरुण जेटली ने कहा था कि देर इज नो चेंज इन द पर्सनल इनकम टैक्स. दिस स्टेटमेंट डिड नॉट गो डाउन वेल विद द एंटायर नेशन. तो इस स्टेटमेंट को उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूज नहीं किया. सो दैट इज बेसिकली द बॉटम लाइन ऑफ दिस हेडलाइन. लेट्स फोकस ऑन आर नेक्स्ट हेडलाइन गाइस. वी हैव कवर्ड टू हेडलाइंस. आई होप एवरी पार्ट ऑफ दिस हेडलाइन इज क्रिस्टल क्लियर. एंड चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज गाइज. एंड ये रही आपके सामने द वेरी नेक्स्ट इमेज. वेल वी हैव मिस्टर नितिन गडकरी साहब, एंड इन्होंने कहा है कि कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है ऑफ क्रिएटिंग और सेटिंग अप द कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड. आई अगेन रिपीट इन इंग्लिश. देर इज नो फ्रेमवर्क और टाइमलाइन फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड. कोई भी समय सीमा नहीं है कि हम एक कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड को बनाएं. ये खबर जो दोस्तों है, दैट इज ऑन पेज नंबर 5. एंड ये रहा आपके सामने. एक सवाल आ रहा है अनूप रंजन जी का. वेल अकॉर्डिंग टू मी एक सवाल आप सबके लिए भी है कि हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ INB. इस समय कौन है मिनिस्टर INB के, इसका ज़रा आंसर आप कमेंट में डाल दीजिए. तब तक हम चल पड़े हैं पेज नंबर 5 पर. एंड ये रही वो हेडलाइन गाइस. नो टाइम फ्रेम फॉर द कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड. लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस. बात समझिएगा ध्यान से. अबाउट 3 to 4 days back, Supreme Court had said that Tamil Nadu has to additionally share 14,750 metric cubic feet of water to Karnataka. It also suggested that there should be a setting up of a Kaveri Management Board. That board will focus on implementing
all the rules, all the decisions that have been given by Supreme Court regarding the Kaveri issue. जो कावेरी मत जो issue है उसको लेकर कई decisions दिए Supreme Court ने, उसको implement करने के लिए सरकार, उसको implement करने के लिए Supreme Court ने कहा कि भाई आप एक setup करो एक कावेरी management board. So यहाँ पर ये कह रहे हैं कि there will be no time framework for setting up of a Kaveri management board. तो screen पे आपको दिखा दें हम headline. Union Minister for Water Resources Nitin Gadkari on Monday was non-committal on a possible time frame for the construction of the Kaveri Management Board as mandated by the Supreme Court. तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि उन्होंने कोई भी एक क्राइटेरिया नहीं दिया है कि कब तक आपका ये मैनेजमेंट बोर्ड यहाँ पर बनेगा. दोस्तों जरा वापस स्क्रीन पे आए. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हेडलाइन, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मुद्दा, मिस्टर नितिन गडकरी ही फोकस्ड ऑन टू अदर इवेंट्स एज वेल. वो दो और मुद्दों पर भी उन्होंने यहाँ पर फोकस किया. आइए आपको मुद्दे वो दिखा दें. ही फोकस्ड ऑन इम्प्लीमेंटिंग टू मेजर प्रोजेक्ट्स. द फर्स्ट वन डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम द गोदावरी टू द कावेरी एंड सेकेंड द पोलावरम प्रोजेक्ट. सो कावेरी के अलावा उन्होंने दो और मुद्दे पर फोकस किया. पहला मुद्दा था कि इम्प्लीमेंटिंग नंबर वन डाइवर्टिंग वाटर गोदावरी से कावेरी की, और सेकेंड था आपका पोलावरम. यहाँ पर दोस्तों ध्यान देखिएगा कि अगर ये दोनों करेंगे देन इट विल हेल्प द वाटर नीड्स ऑफ तमिलनाडु आंध्र एंड तेलंगाना. सो अगर इन दोनों प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा इट विल हेल्प बेसिकली द वाटर नीड्स ऑफ द टू ऑफ द थ्री स्टेट्स दैट इज तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि द कॉस्ट फॉर द डाइवर्टिंग ऑफ वाटर थ्रू द हेल्प ऑफ टू डैम्स इज 1,00,000 करोड़ and the cost of the Polavaram project is 60,000 crore. दोस्तों यहाँ पर एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि the diverting of water from Godavari to Kaveri will be done via two dams, दो dams के तहत इन्हें किया जाएगा जिसका जो एक estimation है that is 1,00,000 crore. Similarly बात करें तो जो Polavaram dam है और जो Polavaram project है उसके जो costing है that is at 60,000 crore जो कि आपके सामने screen पर भी दिया हुआ है. तो अब एक बार दिखा दें आपको screen पर the Hindu and Static shorts जो कि ये रहा आपके सामने. As per Nitin Gadkari, the Minister for Water Resources, no time frame for creation of the Kaveri Board, number one. Number two, इसके अलावा उन्होंने कुछ और बातों पर भी क्लारिफाई किया. पहला किया implementation of two major projects. The first one, diverting water from the Godavari to the Kaveri. The second one, Polavaram project that shall cater to the water needs of Tamil Nadu, Andhra and Telangana. उनकी needs को ये help करेगा. यहाँ पर जो cost है जिससे कि आपका divert होगा water दो dams के तहत वो है आपका 1,00,000 crore का, और जो Polavaram project है वो उसका जो costing है that is 60,000 crores. ये Polavaram project आपका अगले साल मार्च तक complete होकर तैयार हो जाएगा. तो ये हमारी अब खबर है. चलिए, सो लेट्स कम बैक टू स्क्रीन गाइस. वी हैव कवर्ड थ्री हेडलाइंस. वी फोकस्ड ऑन द गुप्ताज इशू ऑफ साउथ अफ्रीका. वी फोकस्ड ऑन हाउ द गवर्नमेंट इज हायरिंग 716 सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स एंड नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द कावेरी बोर्ड. दोस्तों मैंने कई बार आपसे बताया है कावेरी के बारे में, तो सवाल आपसे मेरा है नंबर वन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कावेरी. नंबर टू, द कावेरी डिस्प्यूट इज बिटवीन हाउ मेनी स्टेट्स. And number three, what is the division of water between Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Puducherry. I have discussed this several times in the previous show. इसीलिए आज जानबूझकर मैं इनको discuss यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, पर I hope आपको यहाँ तक सब कुछ clear हो गया है. Now let's focus on our next image guys, and ये रही आपके सामने the very next image. Well, this image focuses on the unique identification authority of India. ये बात कर रही है UDAI के बारे में या फिर आधार कार्ड के बारे में. तो आइए आपको ले चलते हैं हमारे next page पर, that is page number 6. Okay, and this headline will focus, sorry, this headline is on page number, yes, it's on page number, one second. Okay, it's on page number 5, maaf kijiyega. And ये headline जो है उसमें according to श्री अजय भूषण पांडे who is the UIDAI chief executive, उनका मानना है कि आधार is hard to destroy or tamper with.
वेल, ये जो हेडलाइन है यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. नंबर वन, ही हैज़ कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट आधार कार्ड को टैम्पर करना या डिस्ट्रॉय करना लगभग नामुमकिन है. ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे कह रहे हैं द UIDAI चीफ एग्जीक्यूटिव अजय भूषण पांडे. पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर दोस्तों है कि ही वॉज एड्रेसिंग दी स्टेटमेंट्स एट द 21st नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस. दोस्तों इस बात को समझिएगा कि येस, ही गेव अ स्टेटमेंट, कि आधार कार्ड इज नॉट बेसिकली टैम्पर्ड, इट कैन नॉट बी टैम्पर्ड और डिस्ट्रॉयड. पर ये जो स्टेटमेंट दिया, इन्होंने स्टेटमेंट दिया एक कॉन्फ्रेंस में, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम है द 21st नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस. दिस कॉन्फ्रेंस गाइस इज टेकिंग प्लेस इन हैदराबाद, जहां पर करीब 19 अवार्ड दिए जाएंगे इन 8 कैटेगरीज टू बी गिवन अवे एट द एंड ऑफ दिस 2-day मीट. तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं दो चीज़ें याद रखिएगा. लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस. आधार कार्ड अकॉर्डिंग टू द चीफ एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी टैम्पर्ड और कैन नॉट बी मिसयूज्ड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ऐसा कह रहे हैं अजय भूषण पांडे, जो कि GSTN नेटवर्क के भी एक तरह से अध्यक्ष हैं. ही ऑल्सो दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ UIDAI. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको एक और बात पढ़नी पड़ेगी अबाउट द 21st नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, जो कि हुआ आपका हैदराबाद में. सो लेट्स शो यू द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. As per UIDAI Chief Executive Ajay Bhushan Pandey, Aadhaar cannot be tampered or destroyed. It is impossible to duplicate or match the biometrics of the 10 fingers and the iris scan of the person concerned. Unka manna hai ki jo haathon ka ek biometric hai, the biological ID jo hai, usko destroy nahi kar sakte hai, na hi jo iris hai, usko kisi aur se hum replace kar sakte hai. So that is a pretty solid, solid counter argument given by Mr. Pandey. यहां पर एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जो स्टेटमेंट्स हुए हैं वो आए हैं एट द 21st नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, जो कि हो रहा है कहां पर दोस्तों, हैदराबाद में. नंबर वन. नंबर टू, इसकी जो थीम है, इसका थीम है टेक्नोलॉजी फॉर एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट, दैट इज द थीम. नंबर टू, यहां पर दिए जाएंगे द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स, विच आर 19 इन नंबर. इट विल बी अवार्डेड इन 8 कैटेगरीज. तो अब यहां पर सवाल सुनिएगा ध्यान से. क्वेश्चन वन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI? क्वेश्चन टू, Who is the current chief executive of UIDAI? Question number 3, 21st National Conference on e-governance is taking place at? And the last question, what is the theme of the 21st National Conference on e-governance? Theme ko yaad rakhiyega, theme iska hai technology for accelerating development. Chaliye, let's come back to the screen guys. So we've covered the headline focusing on Aadhaar cards and also on the conference in Hyderabad. I hope yahan tak aapko har headline clear ho gayi hogi. Agar clear ho gayi hai to ek bar comment mein dal dijiye yes sir it is clear, and agar show ko like nahi kiya hai to show ko aap like bhi kar sakte hain. Let's focus on our next image guys, and here hi aapke samne the very next image. Let's focus on a word, khushi. Well, Khushi is a new scheme launched by the Odisha government. It will provide free sanitary napkins in the schools of Odisha. Ekdam se padman ke baad ek muhim chhadi hai ki har ek state mein jo sanitary napkins ka mudda hai usko uthaya ja raha hai, and every particular state is trying to make schemes. To ye jo scheme dosto hai, it is mentioned on page number 6. And ek bar dikha de hum headline ko sabse pehle, aur headline ko mujhe dikha, ye rahi aapke samne the headline guys. Free sanitary napkins for school girls in Odisha. उड़ीसा में आपको free मिलेंगे sanitary napkins, जो कि मिलेंगे to school girls. और ये आपको मैं पढ़ देता हूँ दोस्तों. The Naveen Patnaik government on Monday launched Khushi, a scheme to provide free sanitary napkins to school girls across Odisha. तो उड़ीसा के अंदर जो नवीन पटनायक सरकार, उसने कहा है कि वो free sanitary napkins provide करेगा, जिसका नाम होगा खुशी. इसके तहत वो स्कूल्स में इसे प्रोवाइड करेगा. यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इट विल बी प्रोवाइडेड टू स्कूल गोइंग गर्ल्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है. तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ खुशी स्कीम. दैट स्कीम विल प्रोवाइड फ्री सैनिटरी नैपकिन्स. फ्री में वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन्स को प्रोवाइड किया जाएगा, और यहाँ पर क्लास 6 से क्लास 12 तक की जो बच्चियाँ हैं उनको ये प्रोवाइड यहाँ पर किया जाएगा. तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि दिस स्कीम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वुमन एम्पावरमेंट. एक वुमन एम्पावरमेंट राहुल गांधी जी ने बोला था अर्नब गोस्वामी के सामने, उस वुमन एम्पावरमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं अबाउट रियल
महिला सशक्तिकरण जो कि होता है अंग्रेजी में वुमेन एम्पावरमेंट. तो यहाँ पर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, बट दिस इज नॉट द ओनली एग्जाम्पल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट इन उड़ीसा. इसके अलावा दे हैव इंट्रोड्यूस स्कीम्स लाइक ममता एंड ऑल्सो मिशन शक्ति. Now, मिशन शक्ति was for economic empowerment and Mamta was for maternity benefit scheme and the last was 50% reservation in local bodies. So, तो देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर कि यहाँ पर they are trying to build upon the खुशी स्कीम. उसके अलावा दो और स्कीम्स की बात उन्होंने यहाँ पर की, तो इसको भी एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा. सो लेट्स फोकस ऑन दिस हेडलाइन गाइस एंड लेट्स शो यू द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. नवीन पटनायक सरकार ने कहा है कि उड़ीसा के अंदर दे विल इंट्रोड्यूस द खुशी स्कीम. स्कीम के तहत दे विल प्रोवाइड फ्री में सैनिटरी नैपकिंस बच्चियों को, और यहाँ जो बच्चियाँ होंगी वो 6th से 12th के बीच होंगी. करीब करीब 17 लाख बच्चियों को ये प्रोवाइड किया जाएगा. अदर वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स में आपका आता है मिशन शक्ति जो कि है आर्थिक एम्पावरमेंट के लिए. देन वी हैव ममता जो कि है मटर्निटी बेनिफिट्स के लिए जब प्रेगनेंसी के लिए जो होता है. एंड थर्ड है आपका 50% रिजर्वेशन जो कि लोकल बॉडीज़ में आपका होगा, जिसके लिए भी सरकार यहाँ पर प्रिटी सीरियस है. अब आपको दिखा दें हमारा नेक्स्ट PPT जहाँ पर आप देख पाओगे सम स्टैटिक फैक्ट्स अबाउट उड़ीसा. और उससे पहले एक बार ज़रा मैप देख लीजिएगा दोस्तों. आप देख सकते हैं, मेरे को हटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं. नाउ इन दिस पर्टिकुलर मैप यू कैन सी द नेबर्स ऑफ उड़ीसा गाइस. वी हैव छत्तीसगढ़, वी हैव झारखंड, वी हैव आंध्र प्रदेश एंड वी हैव वेस्ट बंगाल. सो वी हैव ओवरऑल 4 नेबर्स जो हैं. आपके जो एक फीडबैक था कि हम मैप को यूज़ करें, उसको मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया दोस्तों. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 नेबर्स हैं, छत्तीसगढ़, आंध्रा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड. नंबर 1. नंबर 2, अगर हम उड़ीसा की बात करें, इसका जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, जो कि मार्क आप कर सकते हैं, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट. सिमिलरली जो वर्तमान CM है उनका नाम है नवीन पटनायक साहब. द करंट गवर्नर इज SC जमीर. और ये अगर हम इस स्टेट की बात करें तो एरिया के मामले में इट इज़ द 9th लार्जेस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ द 11th लार्जेस्ट स्टेट. सो 9th है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड 11th है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. एंड अगर हम बात करें ट्राइबल पॉपुलेशन के तहत तो ये 3rd है. सो 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया, 11th इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड 3rd इन टर्म्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन. यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उड़िया. तो ये चीज़ों को एक बार देख लीजिए. लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस. सो मैंने आपको दे दिया ब्रीफ अबाउट द स्टैटिक शॉर्ट्स एंड नाउ आई विल गिव यू द टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टैटिक शॉर्ट्स जो कि हमारे नेक्स्ट PPT में है. और वजह रहा तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ उड़िया. इट इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया जहाँ पर रूबी और प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स मिलते हैं. रिवर्स की बात करें तो महानदी है और ब्राह्मणी रिवर यहाँ पर है. डांस फॉर्म्स की बात करें तो वो है उड़ीसी, छाऊ, मेधा, डांडा. इसको ज़रा मार्क कर दो. इनमें सबसे फेमस जो है दैट इज़ द उड़ीसी डांस फॉर्म. यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड आता है जो कि मैं पिछले कई समय से यूज़ कर रहा हूँ, दैट वर्ड इज़ GI. नाउ GI मीन्स ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन. भौगोलिक एक जो एक अंकित करना है या फिर जो एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम, ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट और फेमस आइटम, तो उसमें यहाँ पर है आपका उड़ीसा इकात, कोटपाड, हैंडलूम, खंडवा सार. इसके अलावा कई और भी हैं पर मैंने जो टॉप 3 हैं उनको आपको यहाँ पर दे दिया. सिमिलरली बात करें इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है आपका नॉट ओनली द यहाँ पर है आपका द सन टेम्पल इन कोणार्क. सिमिलरली यहाँ पर जो आपका एक रामसार साइट है ना, रामसार साइट इज़ बेसिकली अ साइट विच इज़ ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जो इकोलॉजी के तौर पर जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिश्ता है विद द नॉन लिविंग, उसके आधार पर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है उसका नाम यहाँ पर है भिटार कर्णिका मैंग्रोव्स एंड द चिल्का लेक, दोनों ही आपके रामसार साइट्स हैं. सिमिलरली नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर आपके 2 इंपॉर्टेंट हैं, 1 भिटार कर्णिका एंड द अदर 1 इज़ सिमलीपाल. दोस्तों याद रखिएगा कि सिमलीपाल हैज़ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन उड़ीसा एंड भिटार कर्णिका हैज़ अ लार्ज वराइटी ऑफ द इरावटी डॉल्फिन्स, तो उनके लिए ये दोनों स्टेट आपके यहाँ पर फेमस है. जो फेमस लेक यहाँ पर है वो है आपका चिल्का लेक विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लगून, जो कि होता है आपका एक स्मॉल लेक बिसाइड अ बिगर रिवर और अ बिगर लेक. तो ये भी आपके सामने यहां पर दिया हुआ है दोस्तों. एक जहां सवाल यहां आ रहा है रोशन गुप्ता का, खुशी का फुल फॉर्म नहीं है, खुशी का कोई भी फुल फॉर्म एज सच तो नहीं है,
अगर होता तो मैं आपको बता देता, पर एज सच यहाँ पर कोई फुल फॉर्म नहीं है। यहाँ पर दोस्तों समझिएगा ध्यान से, सन टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अच्छा यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो वर्ड्स हैं, ब्लैक पगोडा एंड वाइट पगोडा। तो आपको बताना है कि सन टेम्पल इज इट ब्लैक पगोडा और इज इट वाइट पगोडा, इसका भी आप आंसर कर सकते हैं। चलिए सो लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस। सो आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया है अबाउट द खुशी स्कीम दैट इज इन उड़ीसा, दैट विल हेल्प अराउंड 17 लाख गर्ल्स, क्लास 6 से 12 तक होगा। तो आई होप आपको ये हेडलाइन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए कि येस सर वी हैव अ डाउट, उस डाउट को मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन आर नेक्स्ट इमेज गाइस, एंड ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज। वी आर अगेन फोकसिंग ऑन द सेम हेडलाइन गाइस, एंड दिस हेडलाइन इज मैंशनड ऑन पेज नंबर सेवन, एंड इट इज़ फोकसिंग ऑन अगेन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। और ये रही आपके सामने दैट हेडलाइन गाइस, इन अ रिकॉर्ड मोर दैन 4 लाख ऑलिव रिडलीज नेस्ट एट ऋषिकुल्या। दोस्तों यहाँ पर आई अगेन रिपीट गाइस, दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट है ऑलिव रिडलीज एंड सेकेंड है आपका ऋषिकुल्या। प्लीज़ अंडरस्टैंड करिएगा। ओके लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन। एक सवाल का आंसर आ गया है, माफ़ करिएगा टू इंटरवीन। ब्लैक पगोडा इज ऑफकोर्स द सन टेम्पल, व्हाइट पगोडा इज द जगन्नाथपुरी टेम्पल। सो देखो दो आंसर हैं, पहला है कि जो आपका ब्लैक पगोडा है दैट इज द कोणार्क टेम्पल, एंड द व्हाइट पगोडा गाइस इज द जगन्नाथपुरी टेम्पल। चलो अब आ रहे हैं हम इस हेडलाइन पर, इन अ रिकॉर्ड मोर देन 4 लाख ऑलिव रिडलीज नेस्ट एट ऋषिकुल्या। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं दोस्तों, द फर्स्ट वर्ड इज द ऑलिव रिडलीज एंड सेकेंड वर्ड इज द ऋषिकुल्या। नाउ ऑलिव रिडलीज आर बेसिकली माइग्रेटरी टर्टल्स जो कि आते हैं उड़ीसा के तट पर, एंड दे नेस्ट एंड दे मेक बेबीज, नंबर वन। नंबर टू, ऋषिकुल्या इज बेसिकली अ रूकरी। आई अगेन रिपीट गाइस, ऋषिकुल्या इन उड़ीसा इज बेसिकली अ रूकरी। अब रूकरी क्या है? रूकरी बेसिकली आपका एक ऐसी जगह है where they make babies or where they nest. So basically रूकरी इज द नेस्टिंग ग्राउंड फॉर टर्टल्स और इवन फॉर बर्ड्स, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है। लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस, लेट्स कम बैक, एंड अब आपको दिखा दें इस हेडलाइन को, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। With 4,28,083 mother olive ridley turtles building nest till Monday morning, the endangered species that is the olive ridleys has created an all-time record of mass nesting at the Rushikulya Rookery coast in the Ganjam district of Odisha this very year. ये स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा ध्यान से कि the olive ridleys they are nesting in Odisha, and जो जहाँ nest करती हैं उस जगह का नाम है दोस्तों That is basically a रूकरी। So रूकरी जो है यहाँ पर उसका example मैंने आपको दिया, that is ऋषिकुल्या। वहाँ पर अब एक बना है all time record जहाँ पर करीब करीब 4,28,083 mothers they are nesting। Let's come back to the screen guys, और आपको दिखा दें the next image। उस image में आप देख पाएंगे this is the region guys, जहाँ पर कि आपका coast है, it is basically on the tut or on the coastal area of ऋषिकुल्या, जहाँ पर कि आपका हो रहा है, it is very near to चिल्का लेक, but यहाँ पर आपकी nesting हो रही है of the olive ridley turtles. Let's come back to the screen guys. लीलाधर और गुंजन जी को समझ में नहीं आया, समझना फिर से। ऑलिव टर्टल्स हैं जो कि माइग्रेट करते हैं अपने एरिया से उड़ीसा की ओर। यहाँ पर जो मादा ऑलिव्स हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं बच्चों को। देन दिस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन कैन बी कॉल्ड एज नेस्टिंग। जहाँ पर नेस्टिंग होती है उसको कहते हैं रूकरी। सो यहाँ पर जो रूकरी है दैट इज़ ऋषिकुल्या, वहाँ पर ये नेस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ अगेन अ रिकॉर्ड बिकॉज करीब करीब 4 लाख के ऊपर जो फीमेल आपकी टर्टल्स हैं वो यहाँ पर नेस्ट कर रही हैं। तो आपको एक बार दिखा दें द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। 4,28,083 mother olive ridley turtles are nesting. It is basically an all-time record of mass nesting at the Rushikulya Rookery coast in the Ganjam district of Odisha. Rookery is a common nesting ground for turtles or for the birds.
अगर हम टर्टल्स की बात करें, वी फोकस ऑन द ऑलिव रिडली टर्टल्स. दे आर ऑल्सो नोन एज द पैसिफिक रिडली टर्टल्स. दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स अराउंड द वर्ल्ड. एंड बेसिकली यहाँ पर ये बेसिकली द टर्टल्स हैव अ यूनिक नेस्टिंग. उसका नाम मार्क कर देना, दैट इज अरीबाडा. अरीबाडा जो आपका है उसे कहते हैं नेस्टिंग ग्राउंड, और जहाँ पर 1000 फीमेल टर्टल्स आती हैं एंड दे ले द एग्स. रूकरीज की बात करें तो रूकरीज आपकी सिर्फ उड़ीसा में नहीं है, बट द रूकरीज आर ऑल्सो इन द आंध्रा प्रदेश. आंध्रा में आपका ये कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी हैं, और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आपका ये रूकरीज हैं. सो लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस. सो आई होप आपको ये हेडलाइन क्लियर हो गई होगी. अब आगे बढ़ते हैं. तब तक अगर आपको शो पसंद आ रहा है दोस्तों, यू कैन लाइक द शो एज वेल. ओके, लेट्स फोकस ऑन आर नेक्स्ट इमेज. एंड ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज गाइज. वेल, हिज नेम इज़ जे पी नड्डा. ही इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ मिस्टर जे पी नड्डा इज हिमाचल प्रदेश. ही इज़ अ राज्यसभा एम पी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. एंड इसकी बात हम आपके सामने अब करने जा रहे हैं. ओके, एंड लेट्स फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर हेडलाइन गाइज. ये जो हेडलाइन है, ये हेडलाइन आपकी है ऑन वन सेकेंड ऑन पेज नंबर 7 एज वेल. एंड ये रही आपके सामने ऑन पेज नंबर 7. फ्री वायरल लोड टेस्टिंग फॉर पीपल विथ HIV. इस खबर को हम पढ़ेंगे दोस्तों. ये खबर जो आपकी है, ये मैंशन है पेज नंबर 7 पर. ये खबर को देखते हैं. फ्री वायरल लोड टेस्टिंग फॉर पीपल विथ HIV. आफ्टर ईयर्स ऑफ शॉर्टेज within the national HIV intervention system, the health ministry has launched a viral load testing for all people living with HIV/AIDS or PLHIV. Yahan par these viral loads will be used to determine the severity of an infection before deciding on the treatment regimen that is appropriate for the HIV patient. So basically jo hamari health ministry hai, उसने लॉन्च किया है एक मिशन. इसने लॉन्च किया है एक पर्टिकुलर टेस्टिंग पैटर्न जिसका नाम है वायरल लोड टेस्टिंग फॉर ऑल पीपल लिविंग विद HIV/AIDS और PLHIV, जिसके तहत दे विल टेस्ट दी पेशेंट, द HIV पेशेंट, एंड देन डिसाइड व्हाट ट्रीटमेंट हैज़ टू बी गिवन, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है. बेसिकली बात करें तो क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द स्कीम इट विल प्रोवाइड फ्री viral load testing for HIV patients at least once a year as per health minister Shri JP Nadda. तो स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक नया योजना लॉन्च किया है. there's a new test, there's a new scheme that has been launched, जिसका नाम है viral load testing for all people living with HIV/AIDS, जहाँ पर they will first have a viral load test and then they will decide the treatment. Number three, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें there is at least once a year there will be a free testing, जो कहा गया है as per the मिनिस्टर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं. तो दोस्तों इस चीज का बड़ा ध्यान दीजिएगा. एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन. और याद रखिएगा कि 1 December इज द वर्ल्ड एड्स अवेयरनेस डे. हेल्थ मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द वायरल लोड टेस्टिंग फॉर ऑल पीपल लिविंग विद HIV और एड्स. Viral load kits are used to determine the severity of an infection before deciding on the treatment regimen that is appropriate for HIV patients. Yahan par at least ek bar free mein test diya jayega to the HIV patients as per Mr. JP Nadda, jo ki hain Union Minister of Health and Family Welfare, jinki jo ki Rajya Sabha MP hai from Himachal Pradesh. अगर HIV की बात करें, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यून डिफिशेंसी वायरस. इट कॉजेज एड्स, दैट स्टैंड फॉर अक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी वायरस. इट इज़ अ कंडीशन इन ह्यूमंस इन विच प्रोग्रेसिव फेलियर ऑफ द इम्यून सिस्टम अलाउज लाइफ थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड कैंसर स्ट्राइक. मतलब जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम ख़राब हो जाता है और कई तरह की बीमारियाँ लगना आसान हो जाता है, एंड दैट इज़ बेसिकली द एड्स. तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को एक बार पढ़ लीजिएगा. इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वायरल लोड टेस्टिंग फॉर ऑल पीपल लिविंग विद HIV/AIDS, दैट इज PLHIV. अब यहां पर सवाल सुनिएगा ध्यान से. सवाल पहला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PLHIV? द क्वेश्चन टू, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ JP नड्डा? क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हेन इज द वर्ल्ड एड्स अवेयरनेस डे? द आंसर इज, इट इज
1st of December. Let's come back to the screen, guys. And now let's focus on our next image. I hope यहाँ तक आपको सारी की सारी headlines clear हो गई होंगी. अगर clear हो गई हैं तो एक बार comments में डाल दीजिए yes sir it is clear. And अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई free में आप show को like भी कर सकते हैं. So let's go to our next image guys. And here ही आपके सामने the very next image. Well his name is Mr. T.S.R. Subramaniam. He is one of my personal heroes, but he has passed away, guys. He was the former cabinet secretary. ये भारत के पूर्व cabinet सचिव थे. Cabinet secretary is the highest position that is ever held by an IAS. He is the main secretary of the union cabinet. तो basically इनका देहांत हो गया दोस्तों. और ये हैं आपके सामने former cabinet secretary Subramanian passes away. Former cabinet secretary T.S.R. Subramaniam died of natural causes on Monday. He was 79 years of age. यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ध्यान से. Subramaniam sir was a 1961 batch officer of the Uttar Pradesh cadre and he was the secretary. He was the cabinet sachiv between August 96 to March 1998. तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें आपको इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स. ये रहा आपके सामने इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स गाइस. Former cabinet secretary T.S.R. Subramaniam has died of natural causes. He is a 1961 IAS batch officer from the UP cadre. ये basically एक cabinet सचिव हैं जो cabinet सचिव थे अगस्त 1 1996 से लेकर मार्च 31 1998 तक. चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज पर. एंड ये रही आपके सामने द वेरी नेक्स्ट इमेज गाइज. वेल ही इज़ द किंग ऑफ जॉर्डन एंड ही विल बी ऑन अ विजिट टू इंडिया. एंड ये जो खबर है, ये खबर है आपकी पेज नंबर टेन. लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइज. एक बार दिखा दें. अच्छा तो दिखा रहे हैं. वेल जो जॉर्डन के किंग है, he has basically highlighted how has India made a balance of fighting the IS and Al-Qaeda. कैसे इंडिया ने बहुत ही अच्छे से, they have tried to insulate the people of India. Basically majority of the people they have insulated to fight against the ISIS or the Al-Qaeda. तो उसको लेकर इन्होंने यहाँ पर बयान दिया है. तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर गाइज, अ रॉयल सल्यूट टू इंडियाज रिलीजियस प्लूरलिटी. कैसे उन्होंने अपने जो प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा धर्म हैं उनको लेकर कैसे भारत अभी तक कायम है. बिकॉज इफ एनी कंट्री हैज़ मल्टीपल रिलीजन्स इट इज़ बाउंड टू हैव अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ राइट्स. पर ही इज़ गिविंग अ सल्यूट टू इंडिया कि कैसे दे हैव मैनेज्ड द रिलीजियस प्लूरलिटी और टू मैनेज डिफरेंट आपके धर्म इन अ पर्टिकुलर कंट्री, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है. वापस स्क्रीन पर दोस्तों आते हैं. नाउ गाइज यू कैन सी, हमने यहाँ पर देखिए फिर दिखा दें. आई हैव मार्क्ड थ्रू दी हाइलाइटर्स. सिर्फ इन्हीं को आपको पढ़ना है तो दिखा दें आपको ये हाइलाइटर्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ये रही पहली चीज, ही विल विजिट इंडिया फ्रॉम अमान. अमान जो है बेसिकली दैट इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन. एंड ही विल विजिट इंडिया एंड ही विल अटेंड द फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय द इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ऑन मार्च 1. बेसिकली वो तो वैसे 28 बेसिकली ही इज विजिटिंग इंडिया ऑन 27 फरवरी, बट he will attend a function by the India Islamic Center Culture Center in on March 1. पहला काम तो ये करेंगे कि वो March 1 को he'll attend a conference by the India Islamic Cultural Center. Number two यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि he will release a book. He will release the Urdu translation of a book. उस बुक का नाम है A Thinking Person's Guide. This book is written by his cousin Prince Ghazi bin Muhammad and इसमें एक chapter है crisis of ISIS जिसको detail किया जाएगा India और बाकी के बीच कैसे countries इसको यहाँ पर manage कर रहे हैं. तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा ध्यान से कि apart from his conference he'll also release a book. उस book का नाम है A Thinking Person's Guide to Islam. इस book को भी वो यहाँ पर release करने वाले हैं. Apart from this there will be different agreements. कई सारे agreements आपके होंगे India और Jordan के बीच. तो उसके लिए आपको दिखाते हैं हम अपना द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. किंग अब्दुल्ला द सेकेंड ऑफ जॉर्डन विल हाईलाइट हाउ इंडिया हैज सक्सीडेड इन फाइटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ IS एंड अलकायदा.
ही शैल बी ऑन अ 3-day विजिट, वो भारत में 3 दिवसीय दौरे पर होंगे. ही विल अटेंड अ फंक्शन दैट इज द इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ऑन March 1. After that, he will release a Urdu translation of a book. उस बुक का नाम है A Thinking Person's Guide to Islam. जिसको और इस बुक को लिखा है उनके कज़न ने, जिसका नाम है प्रिंस गाजी बिन मोहम्मद. ही विल बी ऑन अ विजिट फ्रॉम February 27 टू March 1. यहाँ पर कई और अग्रीमेंट्स पर फोकस किया जाएगा. फर्स्ट फोकस विल बी टू क्रिएट टू सेटअप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अमान बाय सीडैक पुणे. And also partnership between Petra and Agra. Petra is a city in Jordan and Agra city in India. So these two agreements par focus karenge. Pehla, a center of excellence as per the Center for Development of Advanced Computing. And second, there will be an agreement between Petra city of Jordan and the Agra city. Ab yahan par dosto sawal sunne ka kya hai? Question 1, who is the author of the book? The book's name is A Thinking Person's Guide to Islam. Question 2. Where are the headquarters of CDAC? Question 2. Question 3. The partnership agreement between city of Agra and which city of Jordan will be done? The answer of that is Petra, number 1. And number 2, CDAC aapka Pune mein hai. And number 3, book ke jo author ka naam hai, Prince Ghazi bin Muhammad. So guys, aapko ye puri tarike se headline clear ho gayi hogi, clear ho gaya hai. Ek baar comments mein dal dijiye, yes sir, it is perfectly alright. Chaliye, aapko le chale, hamari next image pe dosto. And here hi aapke saamne, the very next image. And ab baat karte hain about the Nostro accounts. Ye hamara aaj ka financial term hai. ये टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज यहां पर सरकार का कहना है कि नॉस्ट्रो अकाउंट्स ऑफ पीएनबी वर यूज्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस. तो यहां पर दोस्तों दिखा दें स्क्रीन पर हेडलाइन, नॉस्ट्रो अकाउंट्स वर यूज्ड बाय बैंक्स फॉर द ट्रांजैक्शंस. जो नॉस्ट्रो अकाउंट्स है उनका इस्तेमाल किया गया था फॉर द ट्रांजेक्शन गाइज. तो यहां पर हम पढ़ेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्म दैट इज द नॉस्ट्रो अकाउंट. आइए बात करते हैं इसी अकाउंट के बारे में, दैट इज नॉस्ट्रो. तो दोस्तों यहां पर बहुत कुछ बकवास है. दिस हेडलाइन हैज अ लॉट मेनी स्टफ, बट यू हैव टू ओनली फोकस ऑन द नॉस्ट्रो अकाउंट. तो एक बार स्क्रीन पे आपको दिखा दें इसी का इमेज, और ये रहा आपके सामने द इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन. मेरे को हटा दो, आप देख सकते हो गाइज. वेन एन इंडियन बैंक opens an overseas account in a foreign bank. जब एक भारतीय बैंक एक फॉरेन कंट्री में अपना अकाउंट ओपन करता है, that account for the Indian bank will be called as a nostro account. For example, Indian bank का नाम है SBI. Now SBI ने ओपन किया अपना अकाउंट with a Swiss bank. Now this particular account for Indian bank will be known as a nostro account. So, अगर मैं कहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल एस बी आई ने ओपन किया इन अ स्विस बैंक, देन द अकाउंट इन द स्विस बैंक विल बी कॉल्ड एज द नॉस्ट्रो अकाउंट फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि यहां पर आपके सामने दिया हुआ है. सो वापस स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों. वेन एन इंडियन बैंक और वेन एनी बैंक ओपन्स एन अकाउंट इन अ ओवरसीज बैंक, in an overseas foreign bank, then that account is called as a nostro account. Similarly, yahan par samajhiyega ki agar wapas dikha dein screen par, if this is the nostro account for Indian bank, the very same account will be vostro for a Swiss bank. मतलब अगर ये अकाउंट नॉस्ट्रो है इंडियन बैंक के लिए, तो ये सेम अकाउंट जो है इट विल बी वॉस्ट्रो फॉर द स्विस बैंक. लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस. आई होप आपको 50% क्लियर हो गया होगा. समझिएगा फिर से, जब भारतीय बैंक ओपन करेगा अपना अकाउंट एक फॉरेन बैंक में, तो उस जो अकाउंट उसका नाम होगा नॉस्ट्रो फॉर द इंडियन बैंक. सिमिलरली दैट नॉस्ट्रो अकाउंट विल बी कॉल्ड एज वॉस्ट्रो बाय द फॉरेन बैंक, फॉर एग्जाम्पल द स्विस बैंक. चलिए अब आपको ले चलें हमारी नेक्स्ट इमेज पे दोस्तों. एंड ये रही आपके सामने द वेरी नेक्स्ट इमेज. आई एम एन अमेरिकन, दो आई एम नॉट ओरिजिनली फ्रॉम अमेरिका, दो आई इलीगली केम टू अमेरिका, बट बाय गॉड्स ग्रेस आई एम एन अमेरिकन. तो ये जो खबर दोस्तों आ रही है, दिस इज फ्रॉम पेज नंबर 12. आइए बात करते हैं इस खबर की. ये खबर फोकस करती है ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, and that act guys is DACA. That account guys is DACA, जो आपके सामने अब स्क्रीन पर आ रहा है. Trump administration faces a setback on DACA.
वापस स्क्रीन पे दोस्तों आते हैं। दो देखिए दोस्त, बात समझिएगा ध्यान से। जब ओबामा प्रेसिडेंट थे, व्हेन ओबामा वॉज प्रेसिडेंट, ही हैड अ विजन दैट एनीवन हु इज लिविंग इन यूएस शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम इफ ही इज इलीगल टू अ लीगल सिटीजन। ओबामा जी का मानना था कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट है, इफ समबडी इज इलीगली लिविंग इन द यूएस, वी विल नॉट डिपोर्ट हिम, वी विल कन्वर्ट हिम इनटू अ लीगल सिटीजन ऑफ यूएस, उसे हम लीगल तौर पर नागरिकता दे देंगे यूएस की। दिस एक्ट दैट गेव द पावर टू ओबामा वॉज द डाका दैट स्टूड फॉर डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स एक्ट, जिसके अंदर अगर बचपने में कोई भारतीय या कोई विदेशी मूल का व्यक्ति गलती से इलीगली देश में आ गया है, दे कैन मेक देम अ परमानेंट सिटीजन ऑफ यूएस। नाउ अब आप कौन आए, नाउ वी हैव डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है दिस इज नॉट डन, दिस इज वेरी बैड, ही इज ट्राइंग टू बैन द डाका एक्ट और द डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स एक्ट, उसको इन्होंने बैन करने की बात यहां पर की गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन मंडे फेस्ड अ सेटबैक व्हेन द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू टेक अप इट्स अपील अगेंस्ट लोअर कोर्ट रूलिंग्स दैट स्टॉप्ड इट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग अ बराक ओबामा मेजर दैट प्रोटेक्टेड रेजिडेंट्स हु एंटर द कंट्री इलीगली एज चिल्ड्रन फ्रॉम डिपोर्टेशन। इस एक्ट का यहां पर दोस्तों नाम है द डाका एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स। तो अब आपको दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज अ सेटबैक, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया है टू एंड द डाका एक्ट, डाका स्टैंड फॉर अलगेनपीड डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्ड अराइवल, इस एक्ट को उन्होंने बंद करने की बात में मनाही कर दी है। बेसिकली इससे एक आंतरिक तौर पर रिलीफ मिली है, एक थोड़ी सी रिलीफ मिली है टू अ मास मेजोरिटी ऑफ सेक्शन, करीब 11 मिलियन लोग हैं जो कि बचपने में आए थे यूएस के अंदर, उनको थोड़ी सी कुछ समय के लिए यहाँ पर रिलीफ मिल गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है। तो आई होप आपको ये हेडलाइन पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं टू आर नेक्स्ट इमेज गाइज, एंड हियर ही आपके सामने द वेरी नेक्स्ट इमेज, एंड दिस इज द इमेज गाइज, विल फोकस अगेन ऑन द पंजाब नेशनल बैंक गाइज। लेट्स फोकस, ओके लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन। नाउ गाइज अंडरस्टैंड, इन द एंटायर पीएनबी फियास्को, जो पूरा आपका पीएनबी का घोटाला है, there were several questions asked on the role of the chartered accountants, जो CA का एक role है उस पर भी सवाल पूछा गया था, because questions were asked on the CA, जो authority है CA की, that is the ICAI, that stand for Institute of Chartered Accountants of India, I'll again repeat, जो authority है CA's, इसका नाम है ICAI, it had made audit, it had made investigation, what went wrong from the chartered accountants. तो उन्होंने एक ऑडिट किया बैंक्स का, पीएनबी का, बाकी बैंक्स का, और ये चेक किया कि क्या गलती हुई। अकॉर्डिंग टू द ICAI, दे हैव टू अमेंड द CA एक्ट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्ट है उसको अमेंड करना है, नंबर वन, एंड नंबर टू, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ अ सुपर रेगुलेटर ऑफ CA, वो बिल्कुल भी खिलाफ हैं कि उनके ऊपर कोई एक और रेगुलेटर बने, सो उसको वो उनकी फाइंडिंग है ऑफ द ऑडिट डन इन द पीएनबी घोटाला। तो एक बार स्क्रीन दिखा दीजिए स्क्रीन पर, ICAI favors existing audit mechanism, that is the headline guys, the Institute of Chartered Accountants of India, that is ICAI, has said that it supports efforts to strengthen and it will amend the CA Act, वो CA Act को amend यहाँ पर करेगा। Similarly उसने कहा है कि they have opposed, उन्होंने खुले तौर पर oppose किया है of the setting up of a super regulator, that is the National Financial Reporting Authority, which will regulate the CA. तो उन्होंने इस रेगुलेटरी को, अथॉरिटी को उन्होंने बंद कर दिया, उसको इन्होंने अलाउ नहीं किया। दे हैव ट्राई टू नॉट गो फॉर दी स्टार्टिंग ऑफ दी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और दी NFRA, उसके खिलाफ उन्होंने यहाँ पर बयान दिया है। तो बस स्क्रीन पर दिखा दें आपको इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। The ICAI, which stands for Institute of Chartered Accountants of India, उन्होंने कहा है कि they will amend the CA Act,
They have opposed the setting up of the National Financial Reporting Authority. Similarly, वो regulate करेंगे CA के profession को, ऐसा वो खिलाफ है उसके. अगर ICAI की बात करें, it was formed in the year 1949. The headquarters are in New Delhi and the current president of ICAI is Mr. Naveen D. Gupta. वो इसके यहाँ पर आपके president हैं जो कि हैं Mr. Naveen D. Gupta. तो guys, I hope आपको ये headline पूरी तरीके से अब clear हो गई होगी. ले चलते हैं आपको हमारी अब next image पर and ये रही आपके सामने the very next image. Let's focus on RBI guys. RBI ने कहा है, वापस स्क्रीन पे आते हैं. दोस्तों आप समझिएगा, whether it is Paytm, whether it is PayPal, whether it is any mobile wallet. Now, according to RBI, the last date to link every wallet account to the KYC is February 28. जो आखिरी तारीख जब तक हर मोबाइल वॉलेट कंपनी को अपने कस्टमर के अकाउंट्स को वेरीफाई करना है विद द KYC, उसकी डेट है फेब्रुअरी 28. बट नाउ अ न्यू स्टेटमेंट हैज़ कम फ्रॉम RBI. का कहना है कि इफ़ एनी वन हैज़ एन अकाउंट एंड दैट अकाउंट हैज़ अ बैलेंस, ही कैन यूज़ दैट बैलेंस इन द वॉलेट. बट अगर उसको उस अकाउंट पर पैसे डालने हैं, उसके लिए उसे उस अकाउंट को 28 फरवरी के तक उसे KYC से लिंक कराना पड़ेगा. सो ये रही हमारी स्क्रीन पे हेडलाइन गाइस. KYC कंप्लायंस नीडेड ओनली फॉर रीलोडिंग ई वॉलेट्स. सिर्फ ई वॉलेट्स को रीलोड करने के लिए, उनमें पैसे फिर से भरने के लिए ही KYC कंप्लायंस या KYC को लिंक करना जरूरी है. KYC मींस नो योर कस्टमर, मतलब ये कि उनको उसकी ID प्रूफिंग करनी पड़ेगी 28 फरवरी तक. तो स्क्रीन पर आप दोस्तों देख सकते हैं, Reserve Bank of India has said that customers can use their electronic wallets which are not compliant with the Know Your Customer guidelines for payments to merchants after Feb 28, even as it clarified that reloading will require a fully KYC account. तो यहाँ पर दोस्त समझिएगा कि चाहे आपका आधार कार्ड से वेरीफाई करना हो, आपके ड्राइविंग लाइसेंस करना हो, वो करना पड़ेगा 28 तक. पर अगर आपके पास अकाउंट में पैसे मोबाइल वॉलेट में, तो उसका इस्तेमाल बिना KYC किए भी आप कर सकते हैं. पर अगर आप रिलोड करेंगे, देन यू हैव टू लिंक द KYC एज वेल. तो एक बार स्क्रीन पर दिखा देते हैं आपको इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. Reserve Bank of India has said to the customers that they can use their e-wallets with no KYC for the remaining balance even after February 28, 2018. यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो है आपके लिंक करने के KYC, वो है आपकी February 28, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर दी हुई है. यहाँ पर समझिएगा ध्यान से कि RBI ने कहा है, इट हैज़ इशूड लाइसेंस फॉर 55 नॉन बैंक मोबाइल वॉलेट्स, और करीब 50 बैंकों को उन्होंने वॉलेट्स को यहाँ पर लिंक किया है. चल जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज एंड ये रही आपके सामने The very next image, guys. और दिखा दें स्क्रीन पर इसी का PPT. दोस्तों देखिएगा, करीब 9500 आपके ऐसे NBFCs हैं जो कि हाई रिस्क पर हैं. दे आर हैविंग अ हाई रिस्क, मतलब वो दे आर अंडर सस्पिशन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग. उनके खिलाफ आरोप है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ के खिलाफ जा रहे हैं. तो यहाँ पर याद रखिएगा जो एग्जैक्ट नंबर है, दैट इज़ 9491 वो नंबर है जो कि आपके हाई रिस्क NBFCs हैं जो कि आपके यहां पर खिलाफ हैं. लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस. वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल प्रोवाइड यू द PDF ऑफ द शो वंस दिस शो इज ओवर. वी विल डिस्कस द अदर हेडलाइंस टुमारो मॉर्निंग. अंटिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. वी विल बैक अगेन टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस. एंड गाइस, पीस आउट. बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम Adda247. बेल आइकन दबाइए Adda247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए. Adda247, गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट.